नमस्कार दोस्तों, रवि कुमार वर्मा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान की सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में जितनी भी थ्योरी चीज़ें हैं, मैंने अपने चैनल पर एक एक वीडियो बनाकर सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं। और जिन भी लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं और लाइक और सब्सक्राइब किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस संविधान से रिलेटेड, जो IAS PCS और बाकी स्टेट PCS में, जैसे उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड PCS में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। और इस सीरीज़ में एक्चुअली मैंने जो वीडियो बनाए हैं, सभी भाग और प्रश्न संख्या 1 से 15 क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई है। तो जिन भी लोगों ने भारतीय संविधान के सारे वीडियोस देख लिए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि रोज़ ये 15 क्वेश्चंस एक ना एक बार देख लें, ठीक है, ताकि आपने जो भी पढ़ रखा है वो आपका रिवीजन होता रहे। और जहां पर भी आपको दिक्कत होती है, इसके अलावा जो मेरे पुराने वीडियोस हैं वहां से आप कंसल्ट कर सकते हैं, वहां मैंने पूरी थ्योरी बताई हुई है। तो चलिए, आपका समय वेस्ट ना करते हुए आते हैं वीडियो पे। दोस्तों, इसमें IAS PCS व सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल है, इसको आप लाइक और शेयर करिए। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय राजस्थान शासन में जो पहला क्वेश्चन है, वो पहले तो मैंने जो पार्ट ए बनाया हुआ है, इसमें संविधान, राजनीतिक प्रणाली व लोक नीति पर है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन यह है, यह आया हुआ है UPPCS में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की थी? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909 और 1919। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की थी। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति तो दी गई थी, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। इसके पहले क्या होता था कि जो भी काम होते थे भारत में, उसमें क्या होता था, कार्यपालिका से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता था। कार्यपालिका जिस तरीके से काम करती थी, मैंने आपको बताया था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीन पार्ट में डिवाइड होता है। बट 1892 में क्या कर दिया गया था कि प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। इसके पहले कार्यपालिका जो भी काम करती थी हमारे देश में, कोई भी उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता था। तो समझ लीजिए, 1892 याद कर लीजिए, 1892 में हम लोगों को शक्ति ये प्रदान हुई थी, जिससे कि जो भारतीय विधान परिषद है वो बहस करने की शक्ति उसको मिल गई थी। तो सही आंसर है इसका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? दोस्तों, जब मैंने थ्योरी पढ़ाया था तो कई बार पढ़ाया था। सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में को सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था, और इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिया एम्पे। याद कर लीजिए, सर एलिया एम्पे इनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? अब संघीय न्यायालय क्या होता है, भारतीय संविधान में 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था संघीय न्यायालय की स्थापना। ठीक है, तो यह डेट भी याद कर सकते हैं आप, 1 अक्टूबर 1937। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये UPPCS से रिलेटेड है। तो UPPCS के अगर आपने पैटर्न देखेंगे पिछले 10 से 20 साल का, तो जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वो उन्हीं क्वेश्चंस के और डीप होके आते हैं। तो पिछली बार, इस बार हो सकता है ये पूछा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत, अगली बार हो सकता है कि कौन से दिन हुआ है ये पूछ लें, तो मैं आपको इसके साथ के और भी जानकारी देता रहूँगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1935 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को, और इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर मैरिस ग्वेयर। याद कर लीजिए, सर मैरिस ग्वेयर। ठीक, तो 1935 में हुआ था, इसलिए चारों क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? संघीय न्यायालय कब किया गया था, अभी मैंने आपको डेट बताई थी 1 अक्टूबर 1937 को, तो इसका सही जवाब होगा 1937 संघीय न्यायालय। अब फिर से याद बताइए कि इसके न्यायाधीश कौन थे,
अभी जस्ट मैंने बताया था सर मैरिस गुयर, याद कर लीजिए इसको, सर मैरिस गुयर इसके न्यायाधीश थे। हो सकता है इस बार वाले पीसीएस में सर मैरिस गुयर आ ही जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? देखिए केंद्र में द्वैत शासन किया गया था, अभी मैंने आपको बताया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। उसी के बाद देखिए पीसीएस 2008 के प्री में क्वेश्चन पूछ लिया गया। पहले क्वेश्चन जो आया था उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था। अगली बार ये पूछा गया कब हुआ था, उसके बाद एक पूछा गया 1935। तो समझ लीजिए दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहा है, हमें केवल पैटर्न समझना है कि पीसीएस का पैटर्न कैसा है, किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो पिछले क्वेश्चंस हमने पढ़ रखे हैं उसकी अगर सही से जानकारी ले लेंगे तो आगे के क्वेश्चंस भी हम इजीली कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी तथा द्वैत शासन को समाप्त करने का प्रावधान भी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसका सही आंसर था भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया था? सेम वही क्वेश्चन दोबारा आया है, ये आया है राजस्थान पीसीएस में 2014 में। आंसर सही है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला, प्रांतों का कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो भारत शासन अधिनियम 1919 मैंने पढ़ाया हुआ है अपने वीडियो में, उसमें मैंने बताया था कि ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम जिसका उद्देश्य था भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। 1919 में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना चाहते थे ब्रिटिश, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भारतीय सचिव और वायसराय भी पारित किए थे, और इस अधिनियम में राज्यों में भी द्वैत शासन को बढ़ाया गया था। ठीक है, और प्रत्येक राज शासन में राज्य के प्रशासन पर दो श्रेणियों में बैठा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित कौन होते थे, जिनको आरक्षण मिला होता था, और हस्तांतरित जो हस्तांतरित विषयों में केंद्र व प्रांतों के साथ विधायकी शक्ति का हस्तांतरण करते थे। तो इसमें दो चीज़ें हैं, प्रांतों की कार्यकारिणी संविधि सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, बिल्कुल सही। सेकंड वाला, मुसलमानों के लिए इसका कोई भी ऐसा नहीं दिया हुआ 1919 में। मगर थर्ड जो है, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ये हुआ था। तो ये दो चीज़ें हो गई थी, तो ऑप्शन 1 और 3 आपका इसमें ठीक होना चाहिए। तो सही जवाब है ऑप्शन 1 और 3 सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? अब बताइए, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला कि 1919 के ब्रिटिश शासन में दो सदनों में बांटा गया था, जिसमें आरक्षित और हस्तांतरित थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया, आंसर क्या होना चाहिए, 1919 एक्ट, क्योंकि अभी मैंने बताया 1919 एक्ट। अब देखिए ये जो मैंने तीन क्वेश्चन आपको पूछे हैं, पहला क्वेश्चन जो मैंने 1 और 3 वाला था वो IAS प्री में आया है 2012 में, उसके बाद का क्वेश्चन UPPCS मेंस में आया है 2008 में, उसके बाद MPPCS में आया है 2013 में, और तीनों का आंसर लगभग 1919 के भारत शासन अधिनियम है। तो अब देख लीजिए कि क्वेश्चंस कितने ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं IAS और PCS में। अगर आपने पुराने क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं, अगर आपको ये गलतफहमी इस तरीके की है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा तभी मेरा IAS या PCS निकलेगा, तो ये गलतफहमी है। आप ये समझ लीजिए कि आप पैटर्न समझ लीजिए, अगर आपने सारे पैटर्न समझ लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपने पुराना पूरा पढ़ लिया, आप नए क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। क्योंकि ऐसा है कि कुछ चीज़ें नई नहीं हैं, जो संविधान वाला जो पार्ट है उसमें कुछ ऐड नहीं होता, बहुत थोड़ा बहुत ऐड होता है जो भी अभी जो चेंजेस हो रहे हैं वो, बाकी तो 90% संविधान में वही रहता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, बताइए कौन से संविधान में? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1947। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1935 इसका सही आंसर होगा, भारत शासन अधिनियम 1935।
1935 में ही राष्ट्रपति को अपना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, और राष्ट्रपति को अध्यादेश जानकारी अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में दी गई है? मैंने अपना राष्ट्रपति वाले वीडियो में पूरा चीज़ अच्छे से बताई है राष्ट्रपति का। जिन लोगों ने राष्ट्रपति वाला वीडियो नहीं देखा प्लीज़ उसको देख लीजिए, उससे एक या दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इसका सही अनुच्छेद होगा 123, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। और अगला इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि सही आंसर इसका है भारत सरकार अधिनियम 1935, और ये भी पूछ सकता है कि कौन सी धारा से प्रेरित है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है, जिसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और ये अनुच्छेद 123 में लिखा हुआ है। अगला, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की जो महत्वपूर्ण धारा संख्या थी वो 87 थी, और इसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने जन्म, धर्म, वंश, वर्ग व इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान पर पद या सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। मतलब कि यही एक ऐसा एक्ट था जिसमें भारतवासियों को प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बना था। इसके पहले क्या होता था कि जितने भी ब्रिटिश लोग होते थे वही ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठते थे, मगर 1833 के अधिनियम चार्टर एक्ट में कह दिया गया कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, अगर वो व्यक्ति लायक है उस पद के तो बैठेगा, भले वो भारतीय हो चाहे ब्रिटिश हो, ठीक है। और इसके कारण ही क्या हुआ था, इसी धारा के बाद क्या हुआ था, भारतीय जो थे वो राजनीतिक आंदोलन से जो राजनीति थी उसमें भी एंटर होने लगे थे। इसी एक्ट के बाद धीमे धीमे हमारा क्या कहते हैं स्वतंत्रता अभियान स्टार्ट हो गया था चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है, पिछले क्वेश्चन का आंसर चार्टर एक्ट 1833 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्रों और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? माल्य मिंटू सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सवर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अभी मैंने बताया केंद्र और राज्यों में शक्ति के बीच विभाजन, उसमें केवल 1919 में केवल राज्यों में किया गया था दो पार्ट में, कैसे, आरक्षित और हस्तांतरित, मगर केंद्र व राज्यों में किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ये तीन चीज़ याद कर लीजिएगा, 1919 में राज्यों में किया गया था और 1935 में केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया, बताइए केंद्र में द्वैत शासन कहाँ लागू किया गया? आंसर है इसका 1919 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने की प्रावधान शामिल किया गया है, इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मैंने बताया था आपको, जब मैं वो पढ़ा रहा था तो उसे बताया था भारतीय महासंघ की स्थापना भी 1935 भारत सरकार अधिनियम में हुई थी। तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? अब संघीय शासन की व्यवस्था किस में हुई थी, जस्ट अभी मैंने बताया भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों आज के वीडियोस इतने ही हैं, मैं रोज़ के रोज़ आपको 15 वीडियोस का वीडियो बना के अपलोड करूँगा, 10 से 15 वीडियो रहेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा वीडियो अगर मैं बताऊँगा तो आपको दिक्कत भी होगी याद करने में समझने में। एक बार इस पूरे सारे वीडियोस को फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। चलिए एक बार और कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बहस करने की शक्ति प्रदान हुई थी? आंसर है 1892 भारत परिषद अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? आंसर इस उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या था, 1835। भारत का संघीय न्यायालय में किस वर्ष स्थापित किया गया था? आंसर है 1937 में।
केन में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? आंसर इज 1935 भारत सरकार अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली बनाई गई थी? आंसर इज 1935 भारत सरकार अधिनियम। इसमें मैंने आपको बताया था कि राज्य में दो किए गए थे, प्रांतों की कार्यकारिणी और केंद्र, एक और तीन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधान पालिका प्रथम द्वार द्विसदनी कब बनाई गई थी? आंसर 1919 भारत का सरकार अधिनियम द्वारा। कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया था? 1919। राष्ट्रपति का अध्यादेश 1935। किस अधिनियम ने भारतवासी को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना बताया था? चार्टर एक्ट 1833। भारत के संविधान में केंद्रों और राज्यों के बीच किए गई शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित था? आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935। एक संघीय और केंद्र व्यवस्था 1919। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया 1935। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था कर दी? भारत सरकार अधिनियम 1935। धन्यवाद दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ वीडियो बंद करने से पहले एक बात और मेरी सुन लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि इससे रिलेटेड आगे के वीडियोज़ में और अपलोड करूँ। धन्यवाद।